भक्तों का सम्मान, आपका स्वागत है मंच का। सभी को प्रणाम। जय हिंद। मैं महाराष्ट्र से हूँ, औरंगाबाद। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ, इंडिया होम पैथ हूँ। मैंने सरकार के अगर कोई नियम या फिर कोई चीज़ अगर आती है जो समाज हित के लिए नहीं होती है तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैंने अब तक सरकार पे 4 PIL की है, जनहित याचिकाएं मैंने की है। सबसे पहली थी मेरी वैक्सीनेशन जो आने वाली थी उसके खिलाफ की थी कि वैक्सीन साइड इफेक्ट बहुत है, ये टेस्टेड एंड ट्रायल नहीं है, इसको आप जन संपर्क पे कंपलसरी मत कीजिए। इसकी 2019 की याचिका है मेरी, 15232, यहाँ पे वकील साहब भी है, 15232/2019 डॉक्टर विला जगड़े वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मेरा याचिका नंबर है। बाद में आए जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स जिनकी GMO सीड्स से कहा जाता है, ये भी टेस्टेड एंड ट्रायल नहीं है, उसके खिलाफ भी मेरी याचिका है। फिर आया 5G ट्रायल, जो 5G मोल्ड आप लग रहे हैं ये आदमी के लिए है ही, जानवर के लिए भी हानिकारक है। और आखिर में आता कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट, आपके घरों में साबुन से लेकर बर्तन मांगने तक हर चीज़ कैंसर पॉजिटिव है। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ मैंने याचिका दाखिल की। बाद में आया कृषि बिल, तीनों कृषि बिल मैंने मेरे वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए, यूट्यूब चैनल है मेरा डॉक्टर विला जगड़े नाम से, उस पर भी कृषकों को समझा, उन्होंने विरोध किया। अब आया है 2 बिल, एक है जमीन अधिग्रहण कायदा 2023 और दूसरा है UCC समान नागरिक कायदा। ये दोनों बिल जो है ये एक तरह से ग्रामीण जो है इनको तो किसानों जो लिया है लोन उनको तो ठीक है, तो जो चल जमीन जंजर के लिए लड़ने वाले जो आदिवासी है 8% 15 से 20 करोड़ इनके जमीनों पे कोई लोन नहीं है, कोई उनका पेड़ी पे कोई कर्जा नहीं है। जब बैंक डूबेंगे, अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के बड़े बड़े 6 बैंक डूब चुके हैं, चाइना के पूरे बैंक डूब चुके हैं, हम पाकिस्तान से और बांग्लादेश और श्रीलंका से सिर्फ 2 कदम पीछे है। ये मैंने 30 मई 2022 के औरंगाबाद में आंदोलन हुआ था उस स्टेज से कहा था। आज पाकिस्तान की हालत आपने देख ली है, श्रीलंका की देख ली है, अगले 3 से 6 महीने के अंदर भारत के सारे बैंक डूबने वाले हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ये स्टेटमेंट है। आज भारत में महंगाई आप कहाँ देख रहे, ये मैंने 8 महीने पहले बताया था। अगर ये जमीन अधिग्रहण कायदा बिल है, मैं सभी माननीयों को उसके कॉपी देता हूँ। इसका 72 नंबर का जो आर्टिकल है ये आपको किसी भी तरह से जमीन अधिग्रहण करने का जो आपका अधिकार है और उस अधिकार पे आपको कोर्ट में जाने का जो अधिकार संविधान ने दिया है ये खारिज करता है। ये संविधान री एजुकेटेड करके कृषि बिल को रिफॉर्म किया गया है, इसमें आपको कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। अगर सरकार कहती है आपके जमीन के वैल्यूशन 5 लाख है और कलेक्टर कहता है कि नहीं इसको आपको 1 लाख ही मिलेगा, आपको उस पर कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार नहीं रहने वाला है। सेकंड है UCC बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। ये खास करके जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC, NT, VJ और आदिवासी, इनको जो स्पेशल राइट्स दिए गए हैं रिजर्वेशन के सारे खारिज कर रहा है। आपको ना रिजर्वेशन रहेगा एजुकेशन में, ना सिस्टम में कोई जॉब्स के लिए, ना रिजर्वेशन पॉलिटिकल रहेगा, ना कि सरपंच पद के लिए, विधायक के लिए, जनपद के लिए, ना MLA, ना MCA, किसी भी चीज के लिए आपको रिजर्वेशन नहीं रहेगा। ये UCC बिल, ये मैं ऊपर कैटेगरी का हूँ, मैं मराठा समाज से हूँ, इसका रिजर्वेशन का मुझे कोई फायदा नहीं है। मगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ती है 50,000-60,000 उसकी फीस है। मगर जो अभी आदिवासियों क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, मैं गढ़चिरौली गया, अब छत्तीसगढ़ में अभी वापस आया हूँ, उड़ीसा जाके आया हूँ, झारखंड जाके आया हूँ, अगले पूरे महीने भर पूरे भारत भर में फिर घूमने वाला हूँ। इस सभी बिल को जहाँ तक आदिवासी लोग क्षेत्र तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, सबसे घातक है ये आपके जल जमीन जंगल जा रहा है, आपके विदेशी बीज से आपका किसान है, आप 100% किसान ही रहेंगे, सरपंच पद के लोग हैं, आपके बीज जो है वो विदेशी आ रहे हैं। नैनो नाम का जो यूरिया आया है, नैनो बॉट्स बहुत हार्मफुल है, मैं डॉक्टर हूँ इस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। और सबसे डेंजर है आपके जल जमीन जंगल गया, जिसको आप अगली पीढ़ी को देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी पीढ़ी होने वाली है पैदा, क्योंकि जो वैक्सीन दिया है इसके अंदर जो कंटेंट है ये महिलाओं में महामारी हर 15 दिन को ला रही है। अगर 15 दिन में महामारी आ रही है तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, अब नस्लें नहीं बचने वाली है, ना फसल बचने वाली है, तो
किस चीज को आप आगे जनरेशन को देने वाले हैं। इसका एक पर्याय है, आप सरपंच है, अगर आप ग्राम सभा में इन दोनों चीज का ग्राम सभा में अगर आप ठहराव पास कर लेते हैं और कलेक्टर और तहसील को अगर सबमिट करते हैं, हम जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं और ना ही हम यूसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं। ग्राम सभा के भाई साहब ने बहुत बढ़िया कहा, ग्राम सरपंच लेवल पे ग्राम सभा अगर डिसीजन लेती है तो ना राष्ट्रपति ना पंतप्रधान आपके यहाँ पे आके इसको लागू कर सकता है। ग्राम सभा को बहुत अधिकार है, ग्राम सभा में बिल पास कीजिए, ठहराव पास कीजिए, तहसील कलेक्टर को सबमिट कीजिए, भले लोकसभा में बिल पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए, आपके ग्राम सभा का नियम कलेक्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मानना पड़ता है। ये आप चीज सबको मैं बताने के लिए यहाँ पे आया, वजह सर ने मुझे मौका दिया, सरपंच लेवल का इतना बड़ा स्टेज यहाँ पे मिला कि कम से कम अगर आप इस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और ग्रुप में डाल के एक सर ने भी बात कही थी, कम से कम आए हैं तो नाम तो करके जाए, अगर ये चीज़ आप करते हैं आने वाली अगली पीढ़ी इतना याद रखी, कोई तो भी था इसलिए लड़ा था कि ठहराव पास किया था, ये आपके लिए बहुत बहुत एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आपने कलम भी नहीं उठाई, आपने अपने ग्राम लेवल पे कर दिया, सरकार वहाँ हिल जाएगी, आपकी जो मांगे यहाँ मांग रहे हैं उनको बिना सोचे करना पड़ेगा, क्योंकि समझ जाएगा ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस आपको समझ आएगा। जय हिंद, जय हिंद। मनीष जैन जी कुछ बोलना चाहते हैं।